हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत भी की है। कोरोना संकट से लड़ रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से अटके प्रवासी श्रमिकों की समस्या के निवारण की दिशा में अपने कदम तेज कर लिए हैं। भले ही राजस्थान के श्रमिक दूसरे प्रदेशों में अटके हुए हैं या राजस्थान में अन्य प्रदेशों के श्रमिक परेशान हैं, गहलोत ने कहा है कि इन श्रमिकों की परेशानियों को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर है। लाखों की संख्या में अटके हुए इन श्रमिकों को अपने अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए वे लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा की है। गहलोत ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही इस समस्या का संतोषजनक हल निकलेगा। राजस्थान ही एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसके प्रवासी मजदूरों के अलावा भी पूरे देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, मैंने कल भी कहा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, और जो खबरें वहाँ से आ रही है, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार, दुकान में नौकरी करते हैं, दुकान के मालिक हैं, वो कोई बहुत अमीर दुकानदार नहीं है, वो सब एक बार घर जाना चाहते हैं। और उनके दिल में एक भावना पैदा हो गई कि हमें एक बार घर जाना है, अपने गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, अपने परिवार वालों से मिलना है, नाते रिश्तेदारों से मिलना है। मुख्यमंत्री गहलोत अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानियों को राहत देने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी नियमित रूप से संपर्क में है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मुंबई में भी अपने विश्वस्त लोगों से नियमित रूप से बात करके वहां के हालात व सहायता में लगे सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा वे अन्य राज्यों में बसे लोगों की प्रतिनिधियों से भी चर्चा करके अटके हुए प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों की सहायता के लिए बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में अटके हुए अन्य प्रदेशों के श्रमिकों की अपने गांव लौटने की समस्या का भी केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जल्द समाधान निकाला जाएगा। लॉकडाउन का पहला चरण शुरू होते ही मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी संबंधित मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके उनके राज्यों में राजस्थान के श्रमिकों को राहत व सहयोग की पहल की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता, प्रशासन एवं सरकार ने यह साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में सब एक साथ खड़े हैं और वे प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राजस्थान में हर स्तर पर एकजुटता के साथ काम किया जा रहा है। यही एकजुटता हमें कोरोना को हराने में सफलता दिलाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, संबंधित विभागों के सचिवों एवं जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा के दौरान चर्चा में ये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक घरों में रहने और व्यवसाय बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनता का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, लेखकों और विशेषज्ञों के सहयोग से समाज में मनोबल को बनाए रखने के प्रयास करने पर बल दिया। गहलोत ने इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई, जिसमें पैम्पलेट, वीडियो, लेख आदि के माध्यम से उन्हें प्रेरित और शिक्षित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में दिन रात जुटे कार्मिकों का विश्वास एवं मनोबल भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। राजस्थान से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।